गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं डक्की भाई के एक नए वीडियो पे जिसका टाइटल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गॉन इमोशनल। तो भाई डक्की भाई के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर जो है वो हो गए हैं, एक माइलस्टोन जो है वो डक्की भाई ने अचीव कर लिया है। तो मेरे तरफ से उनको बहुत 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 बधाई और उसको लेके इन्होंने एक 10 मिनट 5 सेकेंड का वीडियो भी बनाया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं उस वीडियो में हम जरूर देखेंगे उसको, उस पर रिएक्शन देंगे, अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लगे हाथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी है तो लगे हाथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तोनू खुदा दवास्ता। तो चलिए देखते हैं डक्की भाई के इस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले वीडियो को। है आवेगा 9,99,976। फर्स्ट चैनल द बिगनिंग। ओके, 2013-14 की बात है, मैंने अपना पहला चैनल बनाया था। इसमें मैं मोस्टली विंडोज और डेस्कटॉप के टिप्स और ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करके डालता था, जैसे हाउ टू चेंज साइज ऑफ एन आइकन ऑन डेस्कटॉप, हाउ टू चेंज वॉलपेपर हो गया, हाउ टू चेंज स्पीड ऑफ माउस पेपर वगैरह वगैरह, लाइक समझ तो आ गई होगी बेसिक स्टफ। टुडे आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन चेंज द साइज ऑफ द आइकन्स ऑन योर डेस्कटॉप। Like all you gotta do is just press the control and scroll the mouse wheel, that's it. मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे ही घर वाले थे और मेरे ही फेक अकाउंट थे। लेकिन ये चैनल ना मैंने डिलीट कर दिया है, इसलिए नहीं कि मैं कोई डीमोटिवेट हो रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छा मैंने अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, यही टाइम अगर मैं पढ़ाई पे लगाऊं या इधर उधर कामों पे लगाऊं तो शायद फायदा हो जाए मेरा। अब इस दौरान मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा देखा करता था, प्यूडीपाई मेरे साथ मैं कुछ ऐसा ही देखता आ रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सोचा कि गेम में शेमे तो मैं 24 घंटे खेलता ही रहता हूँ, तो क्यों ना रिकॉर्ड भी किया जाए। अब मेरे पास पीसी बड़ा चुस्सा हुआ करता है जिसमें मुश्किल से GTA Vice City चलती ही। लेकिन एक दोस्त था मेरा जिसके पास ना अच्छा कंप्यूटर हुआ करता था, उसके घर जाके थोड़ी बहुत हैवी गेमें रिकॉर्ड कर ली, USB पे पकड़ी, घर आके अपलोड कर दी। अब इस चैनल पे मैं गेमिंग वीडियोस के साथ साथ ना हाउ टू वीडियोस और टेक वीडियोस भी अपलोड करता था। तो मैंने सोचा कि यार गेमिंग चैनल पे टेक का क्या काम है, इसलिए मैंने ना अलहदा चैनल बनाया सादी टेक के नाम से। अब मुझे टेक की ना बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन मेरे पास हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए एडिटिंग के लिए पीसी नहीं था, ठीक है, और वीडियोस बनाने के लिए कैमरा नहीं था। अब ऐसा नहीं था कि मेरे अम्मी अब्बू अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, उनकी नजरों में ये चीजें टाइम्स आया थी और मैं इस चीज को कोई माइंड नहीं करता था, खुद ही बाय कर लेता हूँ। ऊपर से मैं कोई रोज रोज अपने दोस्त के घर भी नहीं जा सकता था, जाहिर है उसकी अम्मी अब्बू ने भी सोचना कि ये क्यों मुंह चुके आया था रोज ही। अब मुझे ना फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फिक्सिंग की बहुत नॉलेज थी। सबसे पहले तो मैंने फाइवर पे फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग शुरू कर दी। उधर ना मैं मिनिमम $5 लेता था, लोगों को वीडियो एडिट करके दे दी, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने अपने घर के पास वाली लोकल मोबाइल शॉप पे सॉफ्टवेयर फिक्सिंग का काम भी शुरू किया है, लेकिन अपने घर बैठ के। किसी ने आईफोन जेलब्रेक करवाना है, अनलॉक करवाना है, ठीक है, या आईफोन अपग्रेड करवाना है, या लैपटॉप पे विंडोज करवानी है, या एंड्रॉइड पे ये चीज करवानी है, फिक्स करवाना है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को, ये हो गया है, तो इन चीजों का मुझे आता है काम सारा। खैर कुछ हफ्ते तो ये चीज चलती रही, लेकिन जिस शॉप पे मैं काम करता था ना वो बड़ा शेख निकला। वो मेरे से काम तो करवा लेता था लेकिन पैसे नहीं था देता। अब मैंने कोई बहस नहीं की उससे, जस्ट मैंने उसको गोली करवाई और मैंने कहा चलो अपना शुरू करता हूँ। तो मैंने एक एड बनाई, उस पे लिखा कि भाई जिसको ये काम करवाना है, जिसको आईफोन पे ये करवाना है, जिसको विंडोज अपग्रेड करवानी है, जिसको एंड्रॉइड पे ये करवाना है, जिसको कोई गेम डाउनलोड करवानी है, तो भाई नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो और मेरा ये एड्रेस है, तो वहां पे आ जाओ और आपका काम हो जाएगा। और लिख दिया था मैंने हाफ रेट देन मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। उस एड को मैंने मस्जिद के बाहर लगाया, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर लगाया, दुकानों के बाहर लगाया, ठीक है। तो जो पहला कस्टमर आया है ना भाई, उससे मैंने 300 रुपये में विंडोज़ कर दी ही, ड्राइवर्स कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर सारे कर दिए सिर्फ 300 रुपये के अंदर। अब ये सारे काम अगर तुम दुकानों पे जाओ ना तो तुमसे 2,000 रुपये आराम से ले लेगा। इसी तरह लोग ना आते गए। अब जिस शॉप वाले के साथ मैं पहले काम करता था ना, उसको कहीं से पता लग गया कि मैंने ये बिजनेस भी खोला हुआ है, जिससे उसके सॉफ्टवेयर का बिजनेस फारिग हो रहा है। क्योंकि जाहिर है 2,000 का काम अगर 300 रुपये में हो रहा है तो बंदा क्यों जाएगा, सही है। तो वो जो शॉप वाला था ना, उसने मेरी बाहर लगी हुई एड ना उतारना शुरू कर दी। मैं दोबारा लगा के आता था, वो दोबारा उतार देता था। मैंने ये क्या बकवास है भाई। खैर मैंने इसको कुछ नहीं कहा। मैंने क्या किया, मैं दूर किसी सेक्टर सी गया, ठीक है, किलोमीटर दूर घर से, उधर मैंने इश्तेहार लगाने शुरू कर दिए अपने। और उधर से भी लोग आ जाते थे, लेकिन जब वो ये चीज देखते थे ना कि यार ये तो दूर है, तो वो फिर आना भी अवॉइड करते थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इश्तेहार में ना एक और चीज ऐड कर दी कि भाई मैं ना फ्री होम डिलीवरी भी कर दूंगा। अपना लैपटॉप USB वगैरह ले गए, उनकी विंडोज फिक्स कर दी, उनका आईफोन फिक्स कर दिया, 500 रुपये लेके घर वापस आ गए। खैर इस तरह करते करते ना मेरे पास ना अच्छा एक पॉकेट मनी टाइप पैसा आ चुका था, 25 से 30,000 के करीब मेरे पास आ चुका था। मैंने
अपना सारा सामान, पुराना लैपटॉप, मोबाइल, इधर उधर चीजें उठा के डाली OLX पे के भाई बेचो सारा। okay. उधर से कुछ पैसा आया, कुछ पैसा मैंने अपनी मामा से लिया और फाइनली मेरे पास ना एक गेमिंग पीसी खरीदने के पैसे आ गए। वो पीसी जो आज भी अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे, जो मेरा पहला सेटअप टूर था, उसमें तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इस दौरान मेरा टेक चैनल बहुत अच्छा जा रहा, मैं ज़रियाब खान जी टेक केयर जो पाकिस्तानी टेक चैनल है उसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था, फुल कॉपी उसकी। मैं तो भाई उसका बोलने का स्टाइल से लेके वीडियो बनाने के स्टाइल तक उसका A to Z, मैं उसे बड़ा इंस्पायर्ड था। खैर अब इस चैनल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैंने क्या किया था, पैसों के लालच में आके ना एक फेक और स्कैम वीडियो बनाई थी। मैंने ये वीडियो बनाई थी कि क्लैश ऑफ क्लैंस के कॉइन्स ना आप हैक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दी थी जिसको आप क्लिक करते हो ना तो कुछ रेवेन्यू आता है आपके पास। वो सब लिंक भी फेक थी, वो वीडियो भी फेक थी। खैर मैं रात को अपलोड करके सो गया, सुबह उठा तो नोटिफिकेशन आया हुआ मुझे कि भाई आपका हमने चैनल टर्मिनेट कर दिया है। इस दौरान ना मैं बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया था, मेरी स्टडी सारी डिस्टर्ब हो गई थी, फेल होना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है, कॉलेज मेरे से जाया नहीं जाता था। एक पॉइंट ऐसा भी था कि यार यकीन करो मैं ना सुसाइड तक भी आ गया था। अब जितने लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे चैनल में एक लड़की मेंशन की जाती थी जो मैट्रिक वाली के नाम से मशहूर है। उसकी मैं प्राइवेसी की वजह से असली नाम नहीं ले रहा, लेकिन ना लेट्स जस्ट से कि उसका नाम था ईशा। अब ये जो ईशा है ना, ये मेरी मैट्रिक में ना क्लास फेलो हुआ करती थी और ये मुझे ना सीक्रेटली बड़ी पसंद भी हुआ करती थी। अब जब मेरा फुल डिप्रेशन वाला दौर चला था ना, तो मुझे ना ये लड़की 4 साल के बाद ऑनलाइन मिली, हमारी बात हुई, बड़े लंबे अरसे तक बात होती रही, जिससे मेरा डिप्रेशन काफी हद तक गायब हो गया और मैं दोबारा नॉर्मल भी हो गया। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि यार इसका तो पूरा फ्रेंड जोन में डालने का इरादा है मुझे, तो फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करनी शुरू कर दी। खैर अगर तुम लोगों को इसकी फुल स्टोरी सुननी है ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं गर्मी चल की पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसके तुम लोग डेयर्स मुझे नीचे कमेंट्स में सेंड कर सकते हो। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी वो जो तुम लोगों को मैंने रोस्ट बनाने को बोला मेरे पे, उस पे एक रिव्यू रिएक्शन वीडियो होगी, उसके बाद हम लोग गर्मी चढ़ी अपलोड करेंगे। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। जो चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया उसको मैंने अपने ज़हन से निकाला, दोबारा नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया और कोई 100 से 200 वीडियोस जो मेरे पुराने चैनल पे हुआ करती थी उनमें से सिर्फ 3 से 4 वीडियोस ही मेरे कंप्यूटर पे सेव्ड पड़ी ही, वो मैंने उठा के रीअपलोड कर दी और सोचा कि यार दोबारा से चैनल स्टार्ट करता हूँ। और आज अगर तुम लोग साधु रहमान यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम लोगों को वो चैनल भी मिल जाएगा, तो जिसने देखना है वो देख सकता है। अब इस दौरान ना कैरी मिनाटी और एक दो और यूट्यूबर्स इंडिया में कॉमेंट्री सीन के अंदर काफी राइज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार इसी तरह की ना एक वीडियो बनाता हूँ रेंडमली। इसलिए नहीं मैंने सोचा था कि मैंने वीडियो बनानी है एक नया चैनल शुरू करने के लिए, मैंने ऐसे ही सोचा यार चलो वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जस्ट शुगल भी हो जाएगा। खैर मैंने वीडियो बनाई नासिर खान जान पे रोस्ट और मैंने वीडियो डाल दी अपने फेसबुक प्राइवेट अकाउंट पे। वहां पे मेरे कुछ दोस्तों ने देखी, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़े मजे की है, तू और बना। इसी तरह कोई मेरी दूसरी तीसरी वीडियो थी पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक, ये भी उठा के मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे अपलोड कर दी। लेकिन ना मैंने नोटिस किया कि यार वो ना बहुत ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई गाली वगैरह भी नहीं थी और लोग उस वीडियो से रिलेट भी कर पा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एक पेज बनाया डकी भाई के नाम से, रैंडम नेम है। मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यार डकी भाई नेम कहां से आया है, यार एक टोटली रैंडम नेम है, ठीक है, इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसने मान है मान लो, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर करके थक गया हूं, लेकिन खैर इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। तो पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक वाली वीडियो को ना मैंने डकी भाई वाले पेज के ऊपर अपलोड कर दिया और उस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज चला गया, पता नहीं कैसे 3 मिलियन व्यूज। 3 मिलियन मेरे पिछले 4 साल के व्यूज मिला भी दो ना तो मुश्किल से 5,000 बनते हैं, और इस पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक वाली वीडियो को 3 मिलियन व्यूज पहुंच गया। एंड दैट इज वेयर डकी भाई वाज बोर्न। फेस रिवील, यो कौन है ये बच्चा? वो स्लैब वाला है ना? Whatever you told me, I know what I could be. Oh,
अच्छी वीडियो बनाई है यार 1 मिलियन पे तो। अप एंड डाउन भी बहुत हो रहे हैं यार डक्की भाई के साथ, कभी वो कभी ये कंट्रोवर्सीज, उसके बीच 1 मिलियन सुखद एहसास डक्की भाई के लिए फिलहाल। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होना बहुत बड़ी बात है। इंडिया में बहुत लोग जो हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पार जा चुके हैं, लेकिन यार इंडिया का यूट्यूब मार्केट और पाकिस्तान का यूट्यूब मार्केट दोनों में बहुत फ़र्क है। इंडिया का यूट्यूब मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान में कुछ समय तक यूट्यूब बैन भी था और धीरे धीरे ये बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इंडिया उतना बड़ा नहीं है। तो उस मार्केट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना, वाकई इंडिया में मेरे ख्याल से 6 मिलियन या 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने के बराबर है। तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन डकी भाई को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरी करने के लिए। और बात करें इस वीडियो की, तो यार इस वीडियो में कैसे शुरुआत की, कैसे कैसे आगे बढ़े, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं पहले रोस्ट वीडियोस बनाता था फेस कैम, लेकिन कुछ ज़्यादा चला नहीं तो यार बस छोड़ दिया। लेकिन डकी भाई हार नहीं माने, मैं हार मान गया था। डकी भाई वापस से नए चैनल्स बनाए, उस पर वीडियोज़ डाले और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ डक्की भाई के आगे 68 सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ था और आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो लिखा हुआ है। तो अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, तो यार आप भी ये अचीव कर सकते हो। एक टेक यूट्यूबर का नाम लिया डक्की भाई ने, जिससे इंस्पायर हो कि इन्होंने टेक चैनल बनाया था और उनके साथ कोलैब में वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत 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 मुबारक डक्की भाई को एक बार फिर से।